वो कहता कि पूरा को पूरा कश्मीर लेंगे। भाई पूरा का पूरा कश्मीर तेरे को कैसे दे देंगे, और तेरी क्या औकात जो पूरा कश्मीर मांग रहा है। राजस्थान की उस वीर भूमि में कविता पाठ करने जा रहा हूं, वो बोल रहा कि पूरा कश्मीर लेंगे, हम पूरा कश्मीर दे देंगे क्या? नहीं देंगे पूरा कश्मीर हम। उसका मात्र कारण बस इतना है कि साउंड बहुत बढ़िया है। पाकिस्तान की स्थिति इतनी बड़ी नहीं, उसकी तो आदत पड़ गई। हमने चार बार उसको मैच से हराया, चार युद्ध हुए उसके साथ में, चारों युद्ध हम जीते। इसके बावजूद भी बोल रहा कि कश्मीर लेंगे। अरे पांचवा युद्ध हुआ तो पांचों वनडे सीरीज हरा देंगे तेरे को। और पाकिस्तान की स्थिति बड़ी नहीं, हालांकि उसकी आदत पड़ गई। और जिसकी जो आदत पड़ जाती है छूटती नहीं है। आपको देखा बता रहे थे साउंड वाले भाई साहब की, जिसकी रात दिन भर बात करने की आदत होती है वो रात को बड़बड़ाता है। जिसकी जो आदत पड़ जाती सपने में ख्वाब देख रहा है, फुटबॉल खेल रहा है तो रजे को उड़ान देता हो। वो माइक वाला भाई साहब की आदत पड़ गई, जो दिन को काम करते हैं वो रात को काम करने लगे। दिन भर करते रहते हेलो चेक हेलो चेक, अब यही काम रात के 1:30 बजे चालू कर दिया। हेलो चेक पत्नी ने एक लाख मारी कि साला चेक ही करता रहे, प्रोग्राम वोग्राम भी देगा। ये आदत पड़ जाती है, साउंड बहुत बढ़िया है। हमारे मोहल्ले में तीन नवाब रहते थे मोदी जी, सुनना मस्ती आएगी। हमारे मोहल्ले में तीन नवाब रहते थे, तीनों की आदत पड़ गई हर बात के पीछे तकिया कलाम लगाने की। तकिया कलाम का अर्थ होता है एक ही शब्द रिपीट करना। पहले वाले नवाब कहीं भी जाते थे बोलते थे जूते खाके, किसी की शादी में चले गए तो जूते खाके, आप ये अकेले अकेले शादी कर ली जूते खाके, दुल्हन तो अच्छी मिली है जूते खाके, हमें नहीं बुलाया जूते खाके। दूसरे वाले नवाब की आदत पड़ी थी मोदी जी आपकी दुआ से बोलने की, कहीं भी जाता था आपकी दुआ से बोलते। एक बार उनके चाचा जी शांत हो गए तो लोग बैठने के लिए घर पे आए, बोले चाचा जी को क्या हुआ था? कुछ मत पूछो, आपकी दुआ से चाचा जी महीने भर से बीमार रहे, आपकी दुआ से डॉक्टर का खूब इलाज चला, आपकी दुआ से, लेकिन चाचा जी फिर भी निपट गए, आपकी दुआ से। तीसरे वाले नवाब की आदत पड़ी थी कहीं भी जाते तो बोलते आपके मुंह में, आपके मुंह में। चुनाव बाद सरपंच साहब को पकड़ लिया, बोले क्या बात है सरपंच साहब आपके मुंह में, चुनाव पहले तो बड़े बड़े वादे करते थे आपके मुंह में, ये करवा देंगे आपके मुंह में, वो करवा देंगे आपके मुंह में, अभी खरंजा उखड़ रहा आपके मुंह में, ये गटर बदबू मार रही है आपके मुंह में। तो होता क्या, एक दिन चोरी हो जाती है मोदी जी, किनके यहाँ चोरी हो जाती है? जो आपकी दुआ से बोलने वाले उनके यहाँ चोरी हो जाती है। सुबह सुबह दरवाजा खटखटाया जूते खाके ने, हम यहाँ घर पे हो जूते खाके, हमारा कौन है आपकी दुआ से, हमें जूते खाके। बोले दरवाजा खुला है आपकी दुआ से, जैसे अंदर आए सारा सामान बिखरा पड़ा, हमें क्या हाल बना रखा है जूते खाके, कुछ मत पूछो आपकी दुआ से, रात को चोर घुस गए आपकी दुआ से, मेरे तकिए के नीचे से चाबी निकाली आपकी दुआ से, तिजोरी में से माल निकाला आपकी दुआ से, और मैं बोला था मुझे पटक पटक के मारा आपकी दुआ से, हम घबराते क्यों जूते खाके। अभी थाने चलते रिपोर्ट लिखवा देंगे जूते खाके। तो रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में जाते तो रास्ते में उनको मिल जाते, कौन? आपके मुंह में। हमारे सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो आपके मुंह में, हाँ कुछ मत पूछो जूते खाके, चोरी हो गई जूते खाके, हम घबराते क्यों आपके मुंह में, अभी रिपोर्ट लिखवा दे आपके मुंह में। वो थाने में जाते हैं, TI साहब बैठे ऐसे लटोरी जी की तरह, हाँ सबसे पहले चले जाते हैं वो जूते खाके बोलने वाले, हाँ नवाब साहब सलाम वालेकुम, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ, हमें क्या हाल बना रखा है जूते खाके, चोर सारे गांव घूम रहे जूते खाके, रोजाना चोरी हो रही जूते खाके, और आप यहाँ पर बैठे हो जूते खाके। TI साहब टेंशन में, बदतमीज बात कर तमीज नहीं बात करने, जूते खाके लग रहा है तमीज, भगवान का नाम लिया अगरबत्ती लगाई सुबह सुबह जूते खाके लग रहा है तमीज नहीं बात करनी, हटा उनको। वो जैसे हटे तो वो आ गए आपके मुंह में बोलने वाले, हाँ नवाब साहब बताओ बदतमीजी करता तमीज नहीं बात करने के, हुआ क्या? अब ये स्टार्ट हुए, अब हमसे पूछते हो आपके मुंह में क्या हो गया, आपके मुंह में रात को चोर घुस गया आपके मुंह में, सारा सामान लेके भग गया आपके मुंह में,
लेकिन एक बात जरूर है आपके मुंह में, चोर भटके कहा जाएगा आपके मुंह में, चोर वाइकिल पकड़ लेंगे आपके मुंह में, और इतने जूते मारेंगे आपके मुंह में, इतने जूते मारेंगे आपके मुंह में कि जब तक ताली नहीं बजाओगे आपके मुंह में, इतने जूते मारेंगे आपके मुंह में कि एक दांत नहीं रहेगा आपके मुंह में। आदत पड़ जाती है साहब, और जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो छोड़ती नहीं है, उसकी आदत पड़ी है बार बार कश्मीर लेंगे कश्मीर लेंगे। पाकिस्तान की स्थिति इतनी बड़ी नहीं है, आदरणीय यहाँ पर बैठे हमारे अनुराग भैया, हम मोदी जी बैठे यहाँ पर, पाकिस्तान की स्थिति इतनी बड़ी नहीं जितनी हम समझते। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है, पति अपनी पत्नी से घर जाकर कहता करे ओ पानी गर्म कर दे, पत्नी चुपचाप, पति फिर झल्लाया कि तो पानी गर्म करते नहीं, पत्नी फिर चुपचाप तीसरी बार पति झल्लाया कि तो पानी गर्म करते नहीं, पत्नी गुस्से में बोली नहीं तो तुम क्या कर लोगे, पति बोला कुछ नहीं ठंडे से नहा लूंगा। जिस दिन 125 करोड़ भारतीय एक आवाज में वंदे मातरम बोल देंगे पाकिस्तान की स्थिति यही होगी, पूरे सदन की ताली यहां बजनी चाहिए। भारत माता की, हम गौतम गांधी के देश के हैं, तुझे सत्य हिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तू हाथ बढ़ापन हम पूरा शरीर देंगे, हमने दिया दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे। कई वीरों की भूमि में अगर काव्य पाठ कर रहा हूं तो मुझे बताना, मैं पंक्तियां छोड़ रहा हूं, उन पंक्तियों को पूरे आप कर देना, मैं वीरों की भूमि में खड़ा हूं। कहते हैं लोग कि राजस्थान का जनगण मान नहीं होता, राजस्थान का सम्मान नहीं होता, राष्ट्र गीत में मान नहीं होता, तो मैंने कहा कि सुनो कि भले ही राजस्थान का जनगण मन में सम्मान नहीं होता, जनगण मन में कोई गुणगान नहीं होता, अरे राजस्थान नहीं होता तो ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता, हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता। अभी तक कदम मोदी जी पाकिस्तान बन गया, तब कहता हूं और पंक्तियां छोड़ रहा हूं, पंक्तियों को पूरा करने का जिम्मा आपको भी है कि हम गौतम गांधी के देश के तुझे सत्य हिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तू हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे, हमने दिया दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग घर के आ रही है। बात ऐसे नहीं कह रहा मोदी जी, उसके पीछे तर्क है कि छू ना पाए दुष्ट रावण खी जैसी लकीर देंगे, छल्ली हो जाए दुश्मन का सीना वो गांडीर से तीर देंगे, ए पाप तेरी इमारतों को तिनके की तरह बिन लेंगे, और तू क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। समर्थन तालियों का महोत्सव तो अब देखना चाहता हूं मैं कि क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे, दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा था ना एल्बम ऐसा उखाड़ देंगे। दादाजी एक जट गया था सकीना के लिए, एल्बम उखाड़ के आ गया, अगर 125 करोड़ भारतीय जाएंगे तो मालूम क्या क्या उखाड़ के आएंगे। तब कहता हूं समर्थन आपसे भी मांगता हूं, आगे से लेकर पीछे तक दहाड़ देना कि दुनिया थे तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे। हमारे देश की हालत तो ऐसी हो गई साहब कि कोई अच्छा काम करने के लिए जाए तो हम उसमें टांग अड़ाते, अच्छा काम करने के लिए जाए तो टांग अड़ाते। अगर मोदी जी कह देना कि मित्रों मेरे 125 करोड़ देशवासियों, आज के बाद एक विधेयक बनाया जाता है कि सब सोच के बाद हाथ धोएंगे, ये कानून बनाया जाता है, अब इसका भी विरोध करते हैं केजरीवाल जी। देखिए ये मोदी जी साबुन कंपनी वालों से मिले, मैं इसके खिलाफ धरना दूंगा। ये वाले मोदी जी ने तो कानून बनाया, इन्होंने तो कानून बनाया, और केजरीवाल विरोध कर गया, अब राहुल गांधी विरोध कर गया। देखिए भाई साहब, देखिए भैया, गरीबों का पैसा को ये मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी हाँ उत्तर प्रदेश में किसी मजाल नहीं, हाँ बेटा मुख्यमंत्री, हाँ बेटा मुख्यमंत्री किसी मजाल नहीं कि साबुन से हाथ धोने के मजबूर करें, साबुन से हाथ धोने के मजबूर करें, हम उत्तर प्रदेश में मंजूर नहीं। लालू प्रसाद यादव नरेंद्र मोदी है,
ये कानून बनाया था कि साबुन से हाथ धोना मजबूर है। ये गरीबों का, हम गरीब लोगों का पैसा साबुन से धुलवाना चाहते हैं। मोदी से हम कहना चाहता हूँ कि जब हाथ हमारा, सोच हमारा, तब उस साबुन से हाथ धोने की रबड़ी साबुन से हाथ में धोए। अकबरुद्दीन ओवैसी चाहे मेरी गर्दन को कोई छुरी रख दे, मैं साबुन से हाथ नहीं धोऊंगा। संविधान के किसी किताब में नहीं लिखा है साहब कि साबुन से हाथ धो, मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, साबुन से हाथ नहीं धोऊंगा। मत दो भाई, तेरे एक के साबुन से हाथ नहीं धोने से मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मेरे देश के 125 करोड़ भारतीय रोजाना साबुन से हाथ धोते हैं। देश की स्थितियां होती तब जाकर कहता हूं और संभालना पंक्तियों को, दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे जैसा सनी देओल ने उखाड़ा एल्बम वैसा उखाड़ देंगे। भारत माँ की सौगंध इस्लामाबाद में भी तिरंगा गाड़ देंगे। समझा नहीं तुझे? एक मौका आइए। यही जीवन का उदाहरण है साहब, यही मस्ती है। एक ने मुझसे सवाल पूछ लिया, ये बताइए दिनेश जी कि शादीशुदा औरत की क्या निशानी? मैंने कहा कि उनके गले में मंगलसूत्र लटका होता है। और शादीशुदा पुरुष की क्या निशानी? मैंने कहा उनका मुंह लटका होता है। पंक्तियों को संभालना और ललकार देना, एक एक श्रोता बोलना कि टांग पे टांग धर के चीर देंगे, दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे जैसा सनी देओल ने उखाड़ा एल्बम वैसा उखाड़ देंगे। भारत माँ की सौगंध इस्लामाबाद में भी तिरंगा गाड़ देंगे। समझा रहे तुझे? एक मौका फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना।